हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके लिए आपको कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये काम पहले कभी नहीं किया तब भी आपको जॉब मिलेगा गारंटेड, एंड ये सारे के सारे काम आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई अर्जेंटली जॉब चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें, एंड इन सभी में जो पांच जॉब्स मैं आपको बताने वाला हूँ सारे के सारा जॉब में कितना सैलरी हो सकता है, एंड मेरा पर्सनल रेटिंग भी दूंगा कि ये कितना रेट करते हैं, मतलब 10 में से कितना रेटिंग मैं देना चाहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 5 पे सोशल मीडिया मैनेजर। अब सोशल मीडिया मैनेजर है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक सेलिब्रिटी है, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो सबके कमेंट का रिप्लाई करे, हर वक्त पोस्ट करे, अपने पेज को मेंटेन करे। तो सिर्फ सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम हो सकते हैं, फेसबुक हो सकता है, या फिर यूट्यूब भी हो सकता है, या फिर कोई आता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आपका काम क्या है? तो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आप किसी भी सेलिब्रिटी का या फिर मतलब हाई प्रोफाइल किसी भी पीपल का आप सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो। आप करेंगे पोस्ट, आप करेंगे कमेंट, आप करेंगे रिप्लाई, सब कुछ आप करेंगे। बस नाम होगा सेलिब्रिटी का जिसका आप सोशल मीडिया कर रहे हो। अब ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड कई सारे जगह पे यूज़ होता है, हर वक्त यूज़ होता है। आप चाहे तो अकेले भी काम कर सकते हो या फिर आप खुद का अपने एजेंसी भी बना सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म की तरफ चलते हो, इससे थोड़ा सा आप छोटा मोटा स्टार्टअप भी बना सकते हो। मगर आपको इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए, आप ट्राई आउट करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके लिए आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन है या फिर फाइवर पे, ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे कि फाइवर पर दे सकते हैं, इस जॉब पे आपको 20 to 30,000 आपको सैलरी मिल सकता है। अब ये पर मंथ भी हो सकता है या फिर पर वीक भी हो सकता है। येस, जिस तरीके से जितना बड़ा अकाउंट है आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। इनिशियली आप 20K सैलरी आप मान सकते हो। अब मेरा पर्सनल रेटिंग है इस जॉब को, मैं अपने पर्सनली 8 out of 10 रेटिंग देना चाहूँगा। अब 2 points इसलिए माइनस है क्योंकि हर वक्त ऐसे सेलिब्रिटी फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर जो 8 points है उसमें आपको सब कुछ कवर हो जाता है। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस या फिर कस्टमर केयर। अब आई नो ये कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं है, मगर मैं को बताना चाहूँगा अगर आपको इंस्टेंटली कोई जॉब चाहिए, यानी अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा, आप स्टूडेंट हो या फिर आपको इंस्टेंटली पैसे चाहिए, तो एज अ कस्टमर सर्विस कस्टमर केयर आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी कंपनी में। येस, मैं आपको लिंक्डइन पर दिखा रहा हूँ। आप जैसे ही कस्टमर केयर सर्विस सर्च करते हो तो कितने सारे जॉब्स अवेलेबल है, सभी पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इंस्टेंटली जॉब लेटर मिल जाएगा, गारंटेड है। एंड इसमें आपको घर बैठे तो इसका चांस कम है कि आपको काम मिलेगा, मैक्सिमम चांस है कि आप ऑफिस में जाके आप काम कर सकते हैं। मगर एज अ इनिशियल थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए ये काम आ सकता है। आप इसमें सदा आप सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो एक यूट्यूबर है नाम दिल्ली का लड़का, तो वो भी पहले एक कस्टमर केयर एज अ काम करता था, तो वो भी आईफोन वगैरह खरीदा है। एंड वो अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूबर है। पहले वो कस्टमर केयर पर ही काम करता था, धीरे धीरे वो अपनी स्किल को डेवलप करके गया एंड एक अच्छे पोजीशन पे है आज। तो इस जॉब पे आप सैलरी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप 10K बेस सैलरी मान के आप काम चला सकते हो, 10,000 rupees आपको मिल जाएगा। एंड क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग काम हो सकता है क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव कस्टमर्स भी होते हैं हैंडल करने के लिए, इसको मैं रेटिंग देना चाहूँगा 6 out of 10। 4 points इसलिए माइनस क्योंकि आपको तो ऑफिस पे जाना पड़ रहा है, शायद पड़ सकता है, एंड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग काम भी हो सकता है, एंड इसमें आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा स्किल भी डेवलप नहीं होता, मगर इनिशियली पैसे कमाना तो ये बहुत ही अच्छा है। नंबर 3 पे आता है डेटा एंट्री या फिर ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स। अब डेटा एंट्री आप सभी को पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी चीज़ में से डेटा अगर आप किसी डिजिटलाइज कर लेते हो उसे कहते हैं डेटा एंट्री। मान लीजिए कोई एक चीज़ है, आपको एक प्रोडक्ट दिया जाएगा, तो प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितना है, कितना आइटम है, कहाँ पे जाने वाला है, सारा का सारा डेटा आपको कंप्यूटर पे एंट्री कर लेना है। तो इस वजह से डेटा एंट्री। एंड ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन मतलब किसी भी वीडियो या फिर ऑडियो में से टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। यानी मान लीजिए कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं जो जो बोल रहा हूँ आपको सेम टू सेम लिखना पड़ेगा कंप्यूटर पे, एक स्क्रिप्ट टाइप का बनाना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन जॉब। अब क्योंकि अभी AI आ चुका है एंड बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुका है, तो कॉपी राइटिंग मतलब ट्रांसक्रिप्शन जॉब एंड कॉन्टेंट राइटिंग, डेटा एंट्री, ये सभी काम आसान हो चुका है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा पैसे है नहीं, मगर आप ट्राई आउट कर सकते हैं क्योंकि फाइवर पे आपको 5,000 ईजिली आपको पर कंटेंट का मिल जाएगा। 2,000 से लेकर 5,000 rupees तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इसको मैं रेटिंग देना चाहूँगा 3 out of 10 क्योंकि ये रिलायबल नहीं है। एक अगर आप जॉब मिल भी जाए मगर वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। देन आता है वेबसाइट मेकिंग यूजिंग वर्डप्रेस। आपको वेबसाइट बनाना पड़ेगा वर्डप्रेस पर। अब आई नो वेबसाइट बनाना काफ़ी टफ लग रहा होगा आपको, मगर बिलीव मी मुझे खुद नहीं पता था कैसे वेबसाइट बनाना पड़ेगा, मगर वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है, ऐसा प्लेटफॉर्म है
कोई भी वेबसाइट बना सकता है, बस आपको यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल्स देखना पड़ेगा एंड काफ़ी इजीली आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो वेबसाइट इसमें आपको बहुत सारा पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि आपको लोग पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये ईजी तो है, मतलब ईजी उतना लगेगा जब आपको थोड़ा सा नॉलेज हो। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे WordPress वेबसाइट मेकिंग ट्यूटोरियल, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपको पहले वीडियो को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एंड इजी तो है मगर टाइम कंज्यूमिंग है। आप किसी भी क्लाइंट के लिए अपना वेबसाइट बना सकते हो, अगर क्लाइंट को पसंद आया तो आप इजीली मनी रिसीव कर सकते हो। एंड इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है गाइज, आपको 20,000 से लेकर 30,000 रुपये तक पर वेबसाइट का मिलेगा। येस, वन वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे 20 to 30,000 आपको ईजिली मिल जाएगा। एंड ये इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखकर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। एंड आप फाइवर पे भी अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन पर भी अप्लाई कर सकते हो। एंड इसका सैलरी आप मान सकते हो, मैंने आपको बता दिया, पर इसे मंथ में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि कब आपको वेबसाइट मिलेगा, क्लाइंट मिलेगा, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैंने बस बता दिया पर वेबसाइट का 20,000 रुपये आप इजीली चार्ज कर सकते हो। एंड अगर आप 2-3 भी करेंगे तो हो गया 50-60,000। ओके, तो इसको मैं रेटिंग देना चाहूँगा 8 out of 10, क्योंकि काफ़ी अच्छा जॉब है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ कि कैसे आप खुद का वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस, एंड आप क्लाइंट के लिए भी कैसे वेबसाइट बना सकते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए एक नया वीडियो ला दूंगा। ओके, नंबर 1 पे लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट। अब ये जो मैं रैंकिंग बता रहा हूँ, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, ये ऐसा नहीं कि नंबर 5 सबसे बेकार है, नंबर 1 सबसे बेस्ट है। मैंने इसे रैंडमली ऑर्डर किया है, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। एंड रेटिंग जो मैं बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल रेटिंग है, आपके हिसाब से ये रेटिंग अलग भी हो सकता है। तो अब मैं बताता हूँ लिंक बिल्डिंग, स्पेशलाइजेशन या फिर एक्सपर्ट होता क्या है। एंड ये एक न्यू जॉब है, अगर आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर लेते हो, अच्छी तरीके से स्किल डेवलप कर ले, तो आपका फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा, इसलिए ये आपको जैसे ट्राई करना चाहिए। अभी होता क्या है, अगर आपको वेबसाइट का या फिर ब्लॉगिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको पता होगा कि बैकलिंक क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई भी एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर बताता है कि अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब उस लिंक पर क्लिक करते आप एक दूसरे वेबसाइट पर चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं बैकलिंक। जब एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर चलाया था, इसमें फ़ायदा क्या है, फ़ायदा यह है कि जिस वेबसाइट का बैकलिंक है यानी जिस वेबसाइट पर आप जा रहे हो उसका सर्च रैंक बढ़ जाता है। येस, मतलब गूगल उसे टॉप पर रैंक करता है, यानी पेज 1 पर। अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो पेज 1 पर रैंक करें, क्योंकि उसका बैकलिंक ज़्यादा है, यानी कई सारे वेबसाइट में उसका लिंक अवेलेबल है। तो इससे होता है क्या, इसका अर्निंग बढ़ जाता है। यानी मान लीजिए आपको मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक ब्लॉग बनाया, एक वेबसाइट बनाया, एंड वो पेज आपका गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, एंड एक और पेज है जो कि सेकंड पेज पे, सिर्फ सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है, एक पेज का डिफरेंस है। मगर ये एक पेज का डिफरेंस कितना हो सकता है पता है, इसका डिफरेंस 100 times हो सकता है। येस, अगर आपका जो पेज फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है जो ब्लॉग, उस पर आपको मंथली एक ब्लॉग से $10,000 आ सकता है, एंड जो सिर्फ सेकंड पेज पर रैंक कर रहा है उसे सिर्फ $100 आ सकता है। तो येस, तो आपको पेज नहीं बनाना, आपको ये नहीं करना, बस आपको लिंक में एक्सपर्ट बनना है। तो उसमें करना क्या पड़ेगा, थोड़ा बहुत आप यूट्यूब वीडियो दे सकते हैं, मैंने पहले बताया कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। आप लिंक्डइन पर अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपके लिए सर्च करके दिखाया। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड वेट कर सकते हो, आपको जॉब मिल जाएगा। इसका सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20,000 से लेकर 40-50,000 तक आप जा सकते हो। अगर आप किसी दूसरे कंट्री के लिए यानी फॉरेन में किसी क्लाइंट को ढूंढ लेते हो तो आपका सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको परमानेंट जॉब भी मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी नया चीज़ है एंड काफ़ी लोगों को ट्राई करना चाहिए क्योंकि बहुत ही स्कोप है फ्यूचर में। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा ये वीडियो। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो नीचे से कमेंट करके बताना, मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा। अगर आपका कोई सजेशन हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो तो जरूर से कमेंट करके बताना। तो मिलता है अगले वीडियो पे।